ये प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा एक कन्वेंशनल मेथड है ड्राइंग का, दैट इज़ वेरी स्टडी बेस्ड. तो उसके बाद मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट था कि ड्राइंग को ऐसा जो फिगर बैठा होता है उसको किस तरह से बनाना है. विद टाइम उसको मैंने इमेजिनेशन के साथ बनाना शुरू किया. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ वर्ल्ड दैट वाज मोर मैजिकल एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो जो मेरे फिगर्स हैं दे आर इन अ सेटिंग दैट इज़ वेरी मैजिकल. और जो कैरेक्टर्स डिज़ाइन मैं करती हूँ उसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ, देयर आर सर्टेन फ्रूट्स प्रॉपर्ली, देयर बेरीज एंड देयर डिफरेंट फ्लावर्स दैट आई यूज, डिफरेंट क्लोथ्स दैट दे आर वेयरिंग, और जो उनकी कैरेक्टर की जो नज़र है वो कहाँ देख रहा है, किस ख्याल में है, इस सबको मिक्स करके एक इमेज क्रिएट होता है. There is just a story जो एक व्यूअर अपनी मर्जी से उस स्टोरी को बना सकता है उस कैरेक्टर के साथ या उस सिचुएशन के साथ रिलेट करके. मेरे जो मेंटर्स रहे हुए हैं उसमें बैचलर्स ने मुझे टीचर थे, दैट वॉज अली अजमल, एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड फिगरेटिव आर्टिस्ट. और उसके बाद जो मेरे एन सी ओ जाके जो मेरे मेंटर थे, दैट वॉज आर एम नेम, ही रियली हेल्प मी थ्रू दैट टाइम जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, किस तरह करना है. और उसके बाद देर वॉज अफशान मलिक, अनवर सईद, एंड प्रोफेशनली देर वॉज मोहम्मद जिशान. स्टूडेंट्स आजकल मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंट हैं. आई थिंक दे आर मोर डिफिकल्ट नाउ, दे आर वेरी इमोशनल. और स्पेशली जो आर्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, 20 स्टूडेंट्स, बेसिकली वी आर डीलिंग विद 20 डिफरेंट फीलिंग्स एंड 20 डिफरेंट ब्रेन्स. सो थोड़ा मुश्किल होता है, यू हैव टू मेक योर स्टूडेंट वेरी कंफर्टेबल विद यू. मैंने अपना बैचलर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, एंड आई वेंट ऑन टू एनसीए टू कंप्लीट माय स्टडीज. आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ. इट्स बीन लाइक 6 ईयर्स. और उसके साथ प्रैक्टिस तो मेरी चल ही रही है विद एग्जीबिशंस, एंड नाउ आई हैव माय सोलो प्रोजेक्ट कमिंग ऑन 9th of January एट कैनवस गैलरी कराची, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट.